बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ बन गई हैं। उनकी जीत पर हर कोई को ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस फिक्स है। हाल ही में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट पूजा मिश्रा ने भी बिग बॉस की विनर दीपिका कक्कड़ पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। बिग बॉस के नाम से ही कंट्रोवर्सी हो जाती है तो फिर कंटेस्टेंट्स तो बाद में आते हैं। I think that show just rides on controversy because that's the nature of the show even overseas, Big Brother. And yes, I did manage to catch a glimpse of the grand finale yesterday. And Big Boss is very unpredictable. वहाँ पर end moment पे कुछ और ही हो जाता है जो आप समझते हैं. And I think to survive in such unpredictable circumstances can be very, very stressful, can be very, very trying. And yet these poor contestants are trapped in their house and they are giving it all they have got. कि भाई हम जीते, you know, वो tug of war हमेशा लगा रहता है. और मैं तो ऐसी इंसान हूँ जिसने 20 साल इस tug of war के साथ जिया है. तो अगर आप stress का definition जानना चाहते हैं, please 20 साल मेरी ज़िंदगी देख लीजिए, वही काफी है. But in any case, I think हमेशा जिसमें सबसे ज़्यादा potential है, वही जीतता है. So if Deepika won, so be it, and I wish all the best. I think that she maintained a very calm and very happy-go-lucky kind of an attitude. बहुत ही diplomatic रहीं वो, और मेरे ख्याल से यहाँ वो लोग नहीं appreciate किए जाते जो सच बोलते हैं, क्योंकि सबको सच handle करने की क्षमता नहीं रहती. Everybody doesn't have the courage and the guts to handle the truth, and truth is always bitter. तो शायद सच बोलने वाले एंड तक नहीं जाते, पर जो डिप्लोमैटिक एक फसाद मेंटेन करते हैं, यू नो, मीठा मीठा बोल के, स्वीटी पाई बन के, वही आगे जाते हैं. बट आई एम सॉरी, मैं वैसी हूँ नहीं, तो मैं वैसा एडवोकेट नहीं करूँगी. प्लीज़ जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि जो भी मुखौटे आप पहनते हैं इवेंचुअली गिर ही जाते हैं. और अगर आप उसे कितना भी चिपका के अपने मुँह के सामने रखो, मुखौटा है तो एक दिन गिरेगा. बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें.